वेलकम टू यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र का और 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप लोग देखकर ही बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा, तो इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखेगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब क्वेश्चन जो है बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखेगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी वीडियो को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑन करके रखिए। अकाउंटेंसी का एग्जाम होने के 10 मिनट के बाद जो है इस चैनल पर एंसर शीट अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग जो है एंसर मिला सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है संचालन अनुपात है। संचालन अनुपात है तो संचालन अनुपात जो है लाभदायकता अनुपात है, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। दो नंबर क्वेश्चन है चालू अनुपात में शामिल है। चालू अनुपात में शामिल है तो चालू अनुपात में जो है स्टॉक शामिल है, देनदार भी है, रोकर भी है, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। उपयुक्त सभी जो है चालू अनुपात में शामिल है। तीन नंबर क्वेश्चन है साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है। साझेदारों के द्वारा फर्म को दिए गए अग्रिम पर ब्याज है, तो तीन का करेक्ट आंसर जो है पर भार हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। चार नंबर क्वेश्चन है विशिष्ट दान है। विशिष्ट दान है तो पूंजीगत प्राप्ति जो है विशिष्ट दान है, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। पाँच नंबर क्वेश्चन है फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाया जाता है। फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए, तो जो है रोकर या बैंक खाता, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। छः नंबर क्वेश्चन है फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है। फर्म के विघटन के समय संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है, तो डेबिट पक्ष में, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। सात नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है। निम्न में से कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है, तो सहकारी फर्म जो है अलाभकारी संगठन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। आठ नंबर क्वेश्चन है फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को जो है असूली व्यय कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। नौ नंबर क्वेश्चन है स्वयं के ऋण पत्रों के रद्द होने से होने वाला लाभ है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है पूंजीगत लाभ हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन है टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर है। टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर है, तो 12%, इसका करेक्ट आंसर बी सही है, 12% प्रतिवर्ष। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोकर बहिर्वाह नहीं है। निम्न में से कौन सा रोकर बहिर्वाह नहीं है, तो लेनदार में वृद्धि जो है रोकर बहिर्वाह नहीं है, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। बारह नंबर क्वेश्चन है फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे। फर्म के विघटन पर साझेदार के ऋण खाते को हस्तांतरित करेंगे, तो इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। तेरह नंबर क्वेश्चन है ऋण पत्रों के खाते के शोधन पर प्रीमियम है। ऋण पत्रों के खाते के शोधन पर प्रीमियम है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है, दायित्व। चौदह नंबर क्वेश्चन है ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर होती है तो निश्चित दर होती है, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है साझेदारी समझौता कहलाता है। साझेदारी समझौता कहलाता है तो जो है साझेदारी संलेख कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। सोलह नंबर क्वेश्चन संचालन व्यय है। संचालन व्यय है तो संचालन व्यय जो है लाभदायकता अनुपात संचालन व्यय है, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे। फर्म के विघटन पर बैंक को अधिविकर्ष को हस्तांतरित करेंगे तो असूली खाते में, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। अठारह नंबर क्वेश्चन है ए बी और सी एक फर्म में साझेदार है, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो पुरानी क्या होगा, तो पुरानी साझेदार पुनर्गठित होगी, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। उन्नीस नंबर क्वेश्चन आय तथा व्यय खाता सामान्यता दिखाता है। आय तथा व्यय खाता सामान्यता दिखाता है तो अधिक घाटा, इसका करेक्ट आंसर ये सही है। बीस नंबर क्वेश्चन दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होती है। दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होती है तो चुकता पूंजी, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। इक्कीस नंबर क्वेश्चन रोकर समतुल्य में निम्न में शामिल होता है। रोकर समतुल्य में निम्न में शामिल होता है, तो इसे करेक्ट आंसर जो है डी सही, उपरोक्त सभी। बाईस नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सही असूली लाभ या हानि यदि संपत्तियों के बिक्री से प्राप्त राशि 40,000 रुपये कुल संपत्ति या 50,000 रुपये कुल दायित्व 15,000 रुपये और असूली खर्च 2,000 रुपये हो, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 12,000 हो जाएगा हानि। तेईस नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा रोकर का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा रोकर का स्रोत नहीं है, तो अस्थायी संपत्तियों का करें, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। चौबीस नंबर क्वेश्चन है आदर्श चालू अनुपात है। आदर्श चालू अनुपात है तो 2:1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 2:1 जो है आदर्श चालू अनुपात है। तरल अनुपात पूछेगा तो जो है 1:1 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है फर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाया गया सामान्य कोष का शेष क्रेडिट किया जाता है।
फॉर्म के समापन के समय चिट्ठे में दर्शाया गया सामान्य कोष को क्रेडिट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सरदार के पूंजी खाते में, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है तो किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर जो है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन है तो पूंजीगत लाभ, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 28 नंबर क्वेश्चन, ऋण पत्र का प्रतिफल है, ऋण पत्र का प्रतिफल जो है ब्याज होता है, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है तो बराबर बराबर, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक्य को कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाते को में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक्य को कहते हैं तो लाभ, इसका करेक्ट आंसर ए सही। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि फर्म की कुल संपत्ति 405,000 रुपये हो एवं कुल बढ़ाए लेनदार 55,000 रुपये हो तो साझेदार की पूंजी की राशि होगी तो जो है 350,000 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है। 32 नंबर क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात है, लाभ प्राप्ति अनुपात है तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विविध लेनदार 9,000 रुपये थे, उन्हें 5% छूट पर भुगतान किया गया, वसूली खाते को डेबिट किया जाएगा तो जो है 8,550 रुपये से डेबिट किया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। 34 नंबर क्वेश्चन, रोकर प्रवाह विवरण आधारित है, रोकर प्रवाह विवरण आधारित है तो लेखांकन के रोकर के आधार पर, इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 35 नंबर क्वेश्चन, अब और स 1:2 1:3 1:6 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, स अवकाश ग्रहण करता है, प्राप्ति अनुपात होगा तो 3:2 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी सही है, 3:2। 36 नंबर क्वेश्चन, रोकर प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, रोकर प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है तो आर्थिक चिट्ठा से, लाभ हानि खाता से, आतृत सूचनाओं से, इसका करेक्ट आंसर डी सही है, इनमें से सभी से जो है रोकर प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है, सीमित दायित्व जो है साझेदारी की विशेषता नहीं है, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है, सामान्य लाभ पर औसत लाभ का अधिक्य कहलाता है तो अधिलाभ, इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है तो पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श तरल अनुपात है, आदर्श तरल अनुपात है तो आदर्श तरल अनुपात जो है 1:1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 20 सही है। 41 नंबर क्वेश्चन, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों लाभ हानि खाते को कोई शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा तो पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन, नगद बिक्री है, नगद बिक्री है तो नगद बिक्री जो है परिचालन क्रिया, इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 43 नंबर क्वेश्चन, साझेदारों के पूंजी अस्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं, तो जो है पूंजी और चालू खाते खोले जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर डी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, कुल संपत्ति 7,70,000 रुपये, कुल दायित्व 2,60,000 रुपये, चालू दायित्व 40,000 रुपये, कुल संपत्ति ऋण अनुपात है तो हो जाएगा 3.5:1 हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 45 नंबर क्वेश्चन, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है तो विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते को क्रेडिट से शेष का भुगतान किया जाता है, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते के क्रेडिट शेष का भुगतान किया जाता है तो इसका करेक्ट आंसर सी ए सही है, साझेदारों को। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मद रोकर तुल्य है, निम्न में से कौन सा मद रोकर तुल्य है तो बैंक अधिविकर्ष, इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है, नए साझेदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्रीमियम। 49 नंबर क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं तो बैंक खाते के माध्यम से, इसका करेक्ट आंसर सी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन है, समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है,
समापन पर ख्याति खाता हस्तांतरित किया जाता है तो जो है वसूली खाते के डेबिट पक्ष में से। करेक्ट आंसर सी सही। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, करता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। बगल में बेल घंटा जाएगा, उसको आप ऑन करके रखिए। अकाउंटेंसी का 10 मिनट के बाद इसी चैनल पर जो है आंसर शीट अपलोड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।